नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एक्स वाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, ड्राइवर भाइयों से कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं तो उनका चालान भी कट जाता है। लेकिन दोस्तों, चालान जो होता है दोस्तों, वो आजकल ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से कटता है। पर्ची वाला चालान आजकल बहुत ही कम केस में देखा गया है कि पर्ची वाला चालान कटे, नहीं तो ज़्यादातर जो होते हैं वो डिजिटली कटते हैं, जिसका अमाउंट जो है ड्राइवर भाइयों को कई बार तो जो है हाथ के हाथ पता चल जाता है कि हमारा चालान कितने का कटा है। कई बार ड्राइवर भाइयों को नहीं पता चलता कि हमारा चालान कितने का कटा है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि दिल्ली के अंदर अगर आपसे कोई भी ट्रैफिक रूल आपने ऑफेंस किया है, ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, तो आपका अगर चालान कटेगा तो किस ऑफेंस के लिए कितना चालान कटेगा, वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। अगर आपने रेड लाइट जंप की है तो कितना चालान कटेगा, अगर आपने ज़्यादा सवारियां बिठाई हैं तो कितना चालान कटेगा, अगर आपने बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी चलाई है तो कितना चालान कटेगा, तो सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी और काम की वीडियो ये। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करें। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैंने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ये साइट है, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड की है, जिसमें सभी ऑफेंस के नाम और उनकी धारा और उन पर लगने वाला चालान पेनल्टी सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप भी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप बाद में कभी इसको देख सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि ऑफेंस के नाम से क्या क्या इसमें कितना चालान है। तो सबसे पहले ट्रैवलिंग ऑन रनिंग बोर्ड पैसेंजर, तो दोस्तों इसका जो चालान है वो 500 रुपये से लेके 1500 रुपये है। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव ड्राइविंग एक्स्ट्रा पैसेंजर ऑन ड्राइवर सीट, यानी कि जो ड्राइवर की सीट होती है उस पर एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठा हुआ है, तो दोस्तों आपको 500 रुपये से लेके 1500 रुपये देने पड़ेंगे। ट्रिपल राइडिंग ऑन टू व्हीलर, हाँ जी दोस्तों, अगर टू व्हीलर पे तीन सवारियां बिठा के आप चलाते हैं तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। ड्राइव ऑन फुटपाथ साइकिल ट्रैक, अगर दोस्तों आप फुटपाथ पे या साइकिल ट्रैक पे गाड़ी चलाते हैं तो इसमें यहाँ पे कुछ भी चलान के बारे में कोई भी नहीं दे रखा है, 00 यहाँ पे लिखा हुआ है। वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन दोस्तों, इसमें भी यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों ये जो 00 लिखा हुआ है ये हो सकता है कि ये कोर्ट के चालान हो, वहाँ से आपको ये भरने पड़े, इसलिए यहाँ पे 00 लिखा हुआ है। ठीक है, वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन हो गया। ऑफेंस रिलेटेड टू जुवेनाइल, हाँ जी दोस्तों, ये जो जुवेनाइल है यानी कि जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो होते हैं, अगर वो गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, उन्होंने कोई ऑफेंस कर दिया है, तो इसमें भी ये कोर्ट का चालान होगा। प्लेइंग ऑफ ओल्ड एज डीजल पेट्रोल व्हीकल 15 और 10 साल, हाँ जी दोस्तों, 10 साल और 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं उसका भी यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, यानी कि ये कोर्ट का चालान होगा, जो भी होगा वो कोर्ट ही करेगा। ड्राइविंग इन एन एम बी लेन दोस्तों वो होती है, NMB का मतलब होता है नॉन मोटर व्हीकल, यानी कि जिसके अंदर मोटर ना लगी हो, ऐसे व्हीकल उनकी लाइन अलग होती है, जैसे कि साइकिल की लेन होती है उसमें अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे 20,000 रुपये का जुर्माना दे रखा है। नॉट गिविंग वे टू एन एमरजेंसी व्हीकल, अगर आपने एमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं दिया, जैसे एम्बुलेंस हो गई या फिर पुलिस की गाड़ी कहीं पे कुछ केस के लिए जा रही है सायरन बजाती हुई, उसको रास्ता नहीं दिया, या फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो गई, इस प्रकार की गाड़ियों को आप रास्ता नहीं देते हैं तो आपका 10,000 रुपये का चालान कटेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों है डिसओबे ऑफ लॉफुल डायरेक्शन इन केस ऑफ द एक्सीडेंट एंड डैमेजिंग प्रॉपर्टी, इसका चालान है 2,000 रुपये। और विदाउट परमिट अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका चालान है 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, और विदाउट लॉग बुक अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 500 से लेके 1500 रुपये है। तो लॉग बुक का बता दें दोस्तों, ये डिलीवरी वाली गाड़ियां होती हैं, लोडिंग वाली, जो माल डिलीवर करके रख देते हैं, किसी को डिलीवर करते हैं, उनकी लॉग बुक होती है, सवारी वाली गाड़ी के लिए नहीं होती है। इसका आपको देना पड़ेगा लॉग बुक का 500 से लेके 1500 रुपये। स्मोकिंग इन द व्हीकल, गाड़ी के अंदर पीना,
सिगरेट तो बीड़ी सिगरेट तो आम सबको पी लेता है, अगर ड्रिंकिंग वगैरह अगर होती तो इसमें मैं समझ भी जाता, लेकिन इसमें लिखा है स्मोकिंग इन व्हीकल 500 से लेके 1500 रुपये। और ब्लोइंग ऑफ प्रेशर हॉर्न, यानी कि दोस्तों अगर आप प्रेशर हॉर्न बजाते हैं तो आपका 5000 से लेके 10000 रुपये का चलान कट सकता है। यूजिंग हॉर्न इन नो हॉकिंग साइलेंस जोन, जी हाँ दोस्तों अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजाते हैं, आपने देखा होगा सड़क के किनारे कई बार साइलेंस जोन का जो है साइन भी लगा होता है, वहाँ पे अगर आप हॉर्न बजाते हैं और ट्रैफिक वाला आपको रोक लेता है तो आपका 1000 से लेकर 2000 रुपये का चालान कट जाएगा। यूज़ ऑफ कलर्ड लाइट ऑन मोटर, तो दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी में कलर्ड लाइट लगाते हैं, जैसे आजकल देखा हुआ LED लाइट्स आ गई हैं, नीली लाल पीली हर तरीके की आती हैं, अगर इस प्रकार की लाइट लगाते हैं तो 500 से लेकर 1500 रुपये आपका चालान कटेगा। एक्सेस स्मोक, अगर आप किसी को पीने की इजाज़त देते हैं तो आपको 500 से लेकर 1500 रुपये का चालान कटेगा। टिंटेड ग्लास, तो दोस्तों अगर आपका गिलास भी टिंटेड है तो उसके लिए आपको 500 से लेकर 1500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। और विदाउट वाइपर, अगर आपकी गाड़ी में वाइपर भी नहीं है तब भी आपको 500 से लेकर 1500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। प्लेइंग म्यूज़िक, अगर आप अपनी गाड़ी में म्यूज़िक बजाते हैं और उसकी आवाज़ अगर ज़्यादा तेज है, बाहर तक शोर जा रहा है, तो दोस्तों आपका 500 से लेकर 1500 रुपये का चालान कट जाएगा। अगर आप धीरे भी चला रहे हैं तब भी इसमें कोई साउंड का दे नहीं रखा है कि कम है कि ज़्यादा, प्लेइंग म्यूज़िक लिखा हुआ है, खाली म्यूज़िक ही भी चला रखा है तो। ड्राइविंग विदाउट लाइट आफ्टर सनसेट, हाँ जी दोस्तों ड्राइविंग विदाउट लाइट आफ्टर सनसेट, यानी कि सूरज ढलने के बाद अगर बिना लाइट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं, बिना लाइट जलाए, हेडलाइट जो होती है दोस्तों, अगर बिना हेडलाइट अगर आप गाड़ी चलाते हैं सूरज ढलने के बाद, तब भी आपका 500 से लेकर 1500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरा अनऑथराइज्ड यूज सायरन, जो सायरन सरकार ने बता रखे हैं कि आप गाड़ियों में किस प्रकार के सायरन हॉर्न लगा सकते हैं, इसके अलावा अगर आप अनऑथराइज सायरन लगाते हैं तो इसके लिए भी आपको 500 से लेकर 1500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं पे दोस्तों ऑफेंस कमिटेड बाय इन्फोर्समेंट अथॉरिटी टू इज़ द पेनल्टी कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। अब अगला है दोस्तों यहाँ पे वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन 500 से लेके 1500 रुपये। जंपिंग रेड लाइट 00 लिखा हुआ, यानी कि ये कोर्ट का चलान हो जाएगा आपका। वायलेशन ऑफ मैंडेटरी साइन वन वे नो राइट टर्न, अगर कहीं पे वन वे है और वहाँ पे राइट टर्न नहीं है तो अगर वहाँ पे आप राइट टर्न ले लेते हैं तो 500 से लेके 1500 रुपये। ड्राइविंग विदाउट हॉर्न, बिना हॉर्न के गाड़ी चलाने पे 500 से लेके 1500 रुपये। ड्राइविंग लेफ्ट हैंड ड्राइव विदाउट इंडिकेटर, अगर आप लेफ्ट हैंड ड्राइव करते हैं और बिना इंडिकेटर दिए हुए आप मुड़ जाते हैं तो आपको 500 से 1500 का चलान कटेगा। और आप इम्प्रॉपर पार्किंग नहीं करते हैं, प्रॉपर पार्किंग नहीं करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी लगा के कहीं चले जाते हैं, तब भी आपका 500 से लेकर 1500 रुपये का चलान कटेगा। ट्रैवलिंग ऑन रनिंग बोर्ड, ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर ही था ये। कैरिंग हाई लॉन्ग लोड प्रोट्रडिंग रोड्स, दोस्तों इसमें जो है जैसे आपने देखा होगा जैसे सरिया होते हैं, बड़े लंबे लंबे सरिया होते हैं, ऐसी लोड को जो गाड़ी से बाहर निकल रहे हों इसको ले जाने पर भी दोस्तों 20,000 का चलान है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर वाले सरिया बाहर निकला रहता है गाड़ी से, इस प्रकार के करते हैं, तो दोस्तों अगर वो उन पर चलान करना चाहे तो इस पर 20,000 रुपये का चलान कट सकता है। विदाउट फिटनेस दोस्तों आपका 5,000 से 10,000 रुपये चलान कटेगा। यूजिंग हाई बीम, अगर आप हाई बीम, दोस्तों हेडलाइट होती है उसमें दो प्रकार की लाइटें होती हैं, एक लो बीम होती है एक हाई बीम होती है, अगर आप हाई बीम पे लाइट जलाते हैं तो आपका 500 से लेके 1500 रुपये का चलान कट सकता है, क्योंकि दोस्तों शहर के अंदर नगर के अंदर हाई बीम पे गाड़ी की जो हेडलाइट है चलाना अलाउड नहीं होता, वहाँ पे लो बीम की गाड़ी लाइट जलाई जाती है। रॉन्ग पासिंग ऑन ओवरटेकिंग अदर व्हीकल, अगर आप किसी गाड़ी को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं तब आपका कोर्ट का चलान होगा। रियर व्यू मिरर टर्न इनवर्ड, अगर आप अपना रियर पीछे जो व्यू होता है उसको अगर टर्न कर देते हैं तब भी आपका 500 से 1500 का चलान है। हेलमेट विदाउट स्ट्रैप और स्ट्रैप नॉट टाइट,
अगर आपने हेलमेट पहना है और उसकी जो स्ट्रैप होती है वो नहीं बांधी है और तो भी आपका 1000 रुपये का चलान कटेगा। डिफेक्टिव हेलमेट अगर आपने पहना, कोई बिना ISI मार्का का आपने हेलमेट पहना है या फिर कोई टूटा फूटा पहन लिया है, तब भी आपका 1000 रुपये का चलान होगा। और टॉप लाइट वायलेशन इसका 500 से 1500 है। विदाउट रिफ्लेक्टर 500 से 1500 रुपये है। नॉट यूजिंग सीट बेल्ट इसका 1000 रुपये का चलान है। डिस ओवे लो फुल डायरेक्शन 2000 रुपये का चलान है। कंडक्टर विदाउट लाइसेंस 10000 रुपये का चलान है। ड्राइविंग विदाउट हेलमेट राइडर पिलियन राइडर, किसी ने भी जो भी बाइक पे टू व्हीलर पे बैठा है उन्होंने किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा तो 1000 रुपये का चलान है। कैरिंग ए पैसेंजर ऑन गुड व्हीकल, अगर आप लोडिंग गाड़ी में पैसेंजर को बिठाते हैं तो आपका कोर्ट का चलान हो सकता है या फिर 500 से 1500 रुपये आपसे चलान लिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों, अगर आपने वायलेशन ऑफ येलो लाइन इसका अगर वायलेशन किया 500 से 1500 रुपये है। कंडक्टर विदाउट बैच 500 से 1500 रुपये। नॉट कैरिंग एनिमल एज पर प्रोवाइज, दोस्तों अगर आपने किसी एनिमल को भी जो है कैरी कर रखा है तब भी आपको 500 से 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्मोकिंग बाय ड्राइवर एंड कंडक्टर, अगर ड्राइवर कंडक्टर को बीड़ी सिगरेट पीता हुआ पाया जाता है तो 500 से 1500 रुपये का चलान कटेगा। परमिट का वायलेशन करने पर आपको 10000 रुपये का चलान कटेगा। SC वायलेशन का आपका 10000 का चलान कटेगा। और प्लेइंग जुगाड़ दोस्तों, जो वो गाड़ियाँ होती हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती है, कहीं से इंजन लिया, कहीं से बॉडी ली और उसको फिट करके जुगाड़ बना लिया और उसको चलाते हुए रोड पर पाए जाते हैं तो आपका कोर्ट का चलान होगा। टाउटिंग ये भी कोर्ट का चलान होगा। डेंजरस गुड्स बाय कॉमन कैरियर, तो दोस्तों इसका भी आपका कोर्ट का चलान होगा। ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस 5000 रुपये का चलान है। अलाउइंग अनऑथराइज पर्सन टू ड्राइव, अगर आप किसी अनऑथराइज ड्राइव आदमी को गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं तो 5000 रुपये का चलान है। यूज़ ऑफ हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस वाइल ड्राइविंग, अगर दोस्तों आप किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का डिवाइस जो होता है जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, उसको हाथ में अगर आपने पकड़ा हुआ और आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप फ़ोन से बात कर रहे हो या ना कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर आपने हाथ में भी पकड़ा हुआ है तब भी आपका 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये का चलान कट जाएगा। वायलेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, अगर नो एंट्री में आपने गाड़ी घुसा दी तो 20000 रुपये का चलान है। ट्रक कैरिंग सैंड डस्ट विदाउट कवरिंग, अगर किसी ट्रक के ऊपर कोई डस्ट वगैरह जैसे बालू हो गई, रेता हो गया, ये बिना ढके अगर वो लेके जाता है तो 20000 रुपये का चलान कटेगा। मिस बिहेवियर विद पुलिस ऑफिसर, अगर आपने पुलिस ऑफिसर के साथ मिस बिहेव किया है, बदतमीजी की है, तो आपका 2000 रुपये का चलान कटेगा। विदाउट इंश्योरेंस आपका 2000 रुपये का चलान कटेगा। और ड्राइविंग डेंजरसली, अगर आपने खतरनाक गाड़ी चलाई है, टेढ़ी मेढ़ी करके, आजकल देखा होगा बच्चे चलाते हैं मोटरसाइकिल यूँ जिग जैग करके, तो उसका कोर्ट का चलान होगा दोस्तों। बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के आपका 10000 रुपये का चलान होगा। ड्राइविंग अगेंस्ट द ऑथराइज फ्लो ऑफ ट्रैफिक, अगर आप रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों आपका कोर्ट का चलान होगा। RC का वायलेशन करते हैं तो आपका 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये का चलान होगा। डिफेक्टिव फैंसी नॉट डिस्प्लेइंग नंबर प्लेट, अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट डिफेक्टिव है यानी कि टूटी फूटी है, उसका नंबर कलर मिट गया है या फिर आपने उसमें कलर फैंसी नंबर प्लेट बनाई है, किसी भी प्रकार की फैंसी नंबर प्लेट आपने लगाई है और उसमें नंबर साफ साफ नहीं दिख रहा है, तब भी आपका चलान कटेगा 5000 से लेकर 10000 रुपये का। एडवर्टाइजमेंट ऑन व्हीकल, अगर आपकी गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा ऑटो के हुड के ऊपर ज़्यादातर एडवर्टाइज वाले हुड लोग लगवा लेते हैं, तो उसका चलान 500 से लेकर 1500 रुपये का कटता है। ड्रंक एंड ड्राइव दोस्तों ये है, अगर आपने दारू पी के गाड़ी चलाई तो इसका कोर्ट का चलान है, ठीक है, कोर्ट से ही आपकी गाड़ी छूटेगी। ओवर स्पीड LMB लाइट मोटर का, अगर आपने हल्की गाड़ी अगर ओवर स्पीड पर चलाई तो 2000 रुपये का चलान है पहली बार में, और दूसरी बार अगर आप पकड़ जाते हैं तो कोर्ट का चलान होगा, वहीं से आपकी गाड़ी छूटेगी। ओवर स्पीड मीडियम हैवी व्हीकल और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं वो अगर आप ओवर स्पीड से चलाते हैं तो आपका 4000 रुपये का पहली बार में चलान होगा, और दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो कोर्ट का चलान होगा, वहीं से कोर्ट से आपकी गाड़ी छूटेगी। तो दोस्तों मैंने काफ़ी सारे ये जो है आपको ऑफेंस बता दिए और इनका
चलान भी बता दिया है। वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं। ट्रैफिक ऑफेंस और उन पे लगने वाला जुर्माना जो मैंने आज आपको बताया, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।